सर पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को उधमपुर के लोगों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरा जनाब ने कहा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी आप खुद देख रहे हैं कि जहां पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे ईद का मस्जिद उधमपुर में आज चंद लोगों के साथ वो नमाज़ अदा की गई और एस का पूरा पालन किया गया जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उनका पूरा पालन किया गया और आज बड़े ही जो मल्ला जो हमारे मोहल्ले के लोग थे उन्होंने ही नमाज़ अदा की बाकी लोगों ने अपने अपने जो गांव थे अपने अपनी जो मस्जिदें थी वहां पे ही उन्होंने नमाज अदा की तो मैं लोगों को शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि जब तक ये बवा ये जो कोविड नाइन्टीन है इसमें वो गैदरिंग ज़्यादा ना करें हमने कल अपील भी की थी लोगों से के मतलब लोग अपने अपने महला में अपने अपने गाँव में ही नमाज को अदा करें तो हमारे अपील को मानते हुए लोगों ने अपने अपने मोहल्ला वाइज़ या अपने अपने गांव में ही नमाज़ अदा की एक ही जगह जहां रश पड़ता था ईदगाह मस्जिद उधमपुर में यहां पे चंद लोग आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि मस्जिद बिल्कुल खाली है और चंद लोगों के साथ ही नमाज़ें जो नमाज अदा की गई